वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में, और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का बायो साइंस, यानी इसी में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है बायो साइंस में ही। ओके, तो आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको समझना चाहिए, चूँकि 21 तारीख से 21 नवंबर से जो है यूपी में एग्ज़ाम भी है, समझ गए। तो 21 तक हम कोशिश करते हैं कि इन लोग के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिया जाए जो बच गया है। बाकी जो यूनिट वाइज चल रहा था वो तो ठीक ही है, बाकी कुछ कुछ करा देते हैं। जैसे आज हम लोग ब्रेन लेकर आए हैं, या यूँ कहा जाए तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में लेकर आए हैं, तो इसको देख लेंगे आज। अगले जब वीडियो आएगा वहाँ पर हम मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेंगे, समझ गए, जिससे उनका भी क्लियर हो जाएगा और रिविज़न भी हो जाएगा। और आप जो भी एमपी के, राजस्थान के, हरियाणा के, उसके बाद बिहार के जो भी स्टूडेंट हैं सबको लिए तो मैं दोबारा रिवीजन भी करवाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, समझ गए ना। तो यह वीडियो नंबर 26 है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS। आप लोग को पता है एक CNS होता है और एक PNS होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, समझ गए। दो नर्वस सिस्टम होते हैं, इसमें CNS काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए ना। और इसके बारे में यह 26वां नंबर वीडियो है फर्स्ट ईयर के लिए, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह CNS जो होता है यह आपके, समझ गए ना, तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर से लिया गया है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मस्तिष्क CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गेन होते हैं मुख्यतः, एक होता है ब्रेन और एक होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड SC, समझ गए, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जू या इसी को जो है रीढ़ की हड्डी बोलिए, जो भी बोलिए, स्पाइनल कॉर्ड यही होता है, समझ गए। तो चलिए आज हम लोग जो है देखेंगे इस दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आपसे यही पूछेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न 10 नंबर में, कि मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क के भागों को जो है वर्णन करें, या मस्तिष्क के संरचना का वर्णन करें, यानी स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर जब भी पूछेगा तो मस्तिष्क किन किन चीज़ों से बना है, कैसे बना है, इसको बताना पड़ेगा, समझ गए। मस्तिष्क के भाग के बारे में पूछेगा तो मस्तिष्क में कौन कौन से भाग है, वो भाग को यानी कंप्लीट मस्तिष्क के बारे में आज हम आपको बता देंगे। ओके, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पूछ रहा है मस्तिष्क क्या होता है, सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में समझिए। तो मस्तिष्क जो है, आपको जो भी लोग हिंदी इंग्लिश वाले हैं टेंशन नहीं लीजिएगा, हिंदी के नीचे इंग्लिश भी दिया है इसी में, तो आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ब्रेन मस्तिष्क, ओके, तो समझिए मस्तिष्क जो है खोपड़ी या कपाल गुहा यानी क्रेनियल कैविटी के अंदर एक कठोर पिंड जैसा जटिल अंडाकार व बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अब बहुत लोग ये समझते होंगे कि जो हमारा सर जो दिखता है पूरा, या पूरा के पूरा इतना बड़ा हमारा ब्रेन है, नहीं, इतना बड़ा ब्रेन नहीं होता, क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो है खोपड़ी जो है वह हड्डी, पहले ऊपर क्या होता है, हड्डी होता है, समझ गए। तो इसी क्रेनियल वाले गुहा में एक पिंड जैसा कठोर रचना, जटिल रचना होता है, जो नॉर्मली ओवल शेप, अंडाकार शेप में ये होते हैं, समझ गए, ये एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ में आप समझिएगा यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक अंग है, समझ गए। आगे देखिएगा, एक एडल्ट व्यक्ति में मस्तिष्क का भार जो है शरीर के भार के 1/50 होता है। मानिए अगर किसी का 60 वजन है, 60 अगर किसी का 60 kg वजन है तो 1/50 भाग काट दीजिए इससे, और इससे काट दीजिए, 5 इसमें दीजिए तो 1.2, मतलब 1200 ग्राम 60 kg वजन वाले व्यक्ति का जो शरीर का में मस्तिष्क का जो भाग होगा वह लगभग 1.2 kg यानी 1200 ग्राम के आसपास, समझ गए ना। जिसका वजन 1 kg से लेकर 1.5 kg तक होता है, वही चीज़ें हैं मैंने बता दिया। यह वजन स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। अब जो स्त्रियों में दिमाग यानी जो मस्तिष्क का वजन होता है वह पुरुषों की तुलना में कम होता है, इस चीज़ को समझिए। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज। मस्तिष्क जो होता है वह मस्तिष्क का आवरण, जिसको हम लोग तनिका भी कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसको मेनिंजिस कहते हैं, इस चीज़ से यह ढका होता है। अब आपको पता होना चाहिए हमारा जो सिर है यह ऊपर से कपाल है, खोपड़ी है, हड्डी का रचना है, समझ गए। हड्डी के अंदर जो है हमारा एक दिमाग होता है, समझ गए, ये दिमाग होता है, लेकिन ये दिमाग को भी जो है लेयर प्रदान होता है, मीनिंग झिल्लियों से ढका रहता है, समझ गए। पहले तो खोपड़ी इसको रक्षा करता है, फिर इसके अंदर एक मेनिंजिस होता है जिसको तनिका बोलते हैं, मस्तिष्क का आवरण बोलते हैं, तो इस जो है इसको ढक कर रखता है ब्रेन को, समझ गए। तो यही आवरण होता है, यह आवरण सुषुम्ना को भी ढकता है, और यही मेनिंजिस जो होता है स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुदंड को भी क्या करता है, ढक के रखता है, समझ गए। यानी मेनिंजिस तनिका जो होता है ब्रेन को भी और स्पाइनल दोनों को ढक के रखता है, समझ गए।
ए तनिका ए मेनिंजीस एक प्रकार की सुरक्षा झिल्लियाँ हैं, मेम्ब्रेन होती है जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। और ये जो झिल्लियाँ होती है यह एक मेनिंजीस जो होती है यह सुरक्षा प्रदान करती है संक्रमणों से, चोटों से, समझ गए। और यही मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है, इसीलिए इसे सुरक्षा झिल्लियाँ भी कहा जाता है। तो ये समझ गए मस्तिष्क के आवरण को, मस्तिष्क का आवरण यानी मेनिंजीस कहते हैं, समझ गए चीज़ों को, जिसको हिंदी में तनिका भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे मस्तिष्क के फिगर देखिए आपके सामने में है, ये पूरा मस्तिष्क का संरचना है। अब आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा माय डियर, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वाला भाग आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग देख रहे हैं, यह सब के सब जो है आपका क्या है, ये सब के जब सब जो है फोर ब्रेन है, समझ गए, क्या है, फोर ब्रेन है। इस चीज़ को समझिएगा, क्या है, फोर ब्रेन है, समझ गए ना, फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क आगे का भाग, समझ गए। उसके बाद है आप देखिएगा यहाँ पे एक अच्छा चीज़ें है, और इसी फोर ब्रेन में ही आपके क्या होते हैं, ध्यान देने वाली बातें होगा आपको, देखिएगा इसी फोर ब्रेन में आपको हाइपोथैलमस और थैलमस ग्लैंड का भी समायोजन होता है, इसी फोर ब्रेन के सेरेब्रम में, समझ गए, प्रमस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क वाले क्षेत्र ही सबसे बड़ा क्षेत्र होता है मस्तिष्क का, उसी में हाइपोथैलमस और थैलमस ग्लैंड होते हैं, समझ गए। और यही देख लीजिए खोपड़ी है, ऊपर से क्रेनियम होता है, और ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं यह सेरेब्रम का भाग है, यह सबसे बड़ा भाग होता है। ओके ना, तो ये समझ गए, यह जो है सबसे बड़ा भाग क्या चीज़ का बनाता है, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क का बनाता है। उसके वाला जो मध्य भाग होता है ये हल्का सा जो है आपके इसके अंदर मध्य भाग बहुत छोटे में होता है, तो ये मिड ब्रेन हो गया। ओके, और लास्ट में हमारा एक होता है हिंड ब्रेन होता है, और ये जो हिंड ब्रेन होता है जिसे पक्ष मस्तिष्क कहते हैं, इसमें पोन्स होता है, मेंडुला होता है और सेरिबेलम होता है, समझ गए, सेरिबेलम, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं यह सेरिबेलम का है, समझ गए। उसके बाद रही बात मेंडुला ओब्लॉन्गेटा जो होता है वह लंबी रसरी के समान होता है, पूंछ के भांति, जो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है ब्रेन का भाग, वही मेंडुला ओब्लॉन्गेटा होता है। और पोन्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये है, यानी कुल मिलाकर यह तीनों आपके हिडन ब्रेन, मतलब हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। यह हो गया आपका मध्य मस्तिष्क यहाँ पे, और बाकी ये टोटल हो गया आपका क्या चीज, फोर ब्रेन, समझ गए, अग्र मस्तिष्क। चीज़ें क्लियर है, चलिए फिगर बनाना मैंडेटरी होगा एग्जाम में, तो फिगर मत भूलिएगा, समझ लीजिए, देख लीजिए, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, अब इस चीज़ को समझिए, तनिका यानी मेनिंजिस खोपड़ी के नीचे मस्तिष्क के ऊपर में निम्न प्रकार से तीन परतों में स्थित होता है। अब ये जो मेनिंजिस होता है ना, ये जो झिल्ली होता है जो मस्तिष्क को या स्पाइनल को सुरक्षा देता है, तो यह मेनिंजिस भी तीन लेयरों से जो है ढका होता है ब्रेन को, तीन लेयर में ढकता है, समझ गए। तो ये तीन लेयर में कैसे ढकता है देख लीजिए, पहला है ड्यूरामेटर, दृढ़ तनिका, नाम से ही स्पष्ट है, दृढ़ मतलब यह काफी मजबूत कठोर होगा, इसीलिए यह दृढ़ है, समझ गए ना। कपाल के ठीक नीचे मस्तिष्क की सबसे ऊपरी झिल्ली परत होती है, कपाल के नीचे मतलब समझ रहे ना, जो क्रेनियम है, जो हड्डी क्रेनियम है उसके ठीक नीचे यह होता है, समझ गए, और मस्तिष्क के सबसे ऊपरी परत झिल्ली होता है, समझ गए, जो घने कठोर संयोजी उत्कों से बनी होती है, इसे ही दृढ़ तनिका कहते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि यह कठोर घने और संयोजी उत्तक से बना है, इसीलिए इसे दृढ़ तनिका कहते हैं, चीज़ों को समझिएगा। इसी झिल्ली में क्या होते हैं, रक्त वाहिनी स्थित होते हैं जो खोपड़ी की अंदरूनी परत की रक्तापूर्ति करते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, इसी ड्यूरामेटर में जो है, इसी झिल्ली में, चूंकि ब्रेन को ऊपर से झिल्ली ढाका है तो ब्रेन को तो ब्लड सर्कुलेशन चाहिए ना, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है इसी में होता है, ड्यूरामेटर वाले में ही होता है, जो खोपड़ी के अंदरूनी परत को रक्त सप्लाई करता है, चीज़ों को समझ गए। तो दृढ़ तनिका क्या है, यह एक मजबूत जो है कठोर घने संयोजी ऊतक से बना एक तनिका है, यह मस्तिष्क के सबसे ऊपरी है और कपाल के ठीक नीचे होता है, समझ गए, यह इसमें रक्त वाहिनी स्थित होते हैं इस झिल्ली में, जो खोपड़ी के अंदरूनी परत को रक्त आपूर्ति करता है। ओके, तो ये हो गया पहला आवरण के रूप में ड्यूरामेटर।
दूसरा है आर्केनोइड मैटर। आर्केनोइड मैटर जो होता है, समझिए कि यह तंतु लचीले उत्कों से बनी होती है, आवरण के बीच वाली परत झिल्ली के समान होती है। अब चूंकि यह मध्यम परत होगा, वह ऊपर वाला परत था तो यह मध्य परत है। अब यह मध्य परत होने के साथ में ऊपर वाला जो कठोर था, दृढ़ था, यह काफ़ी लचीला उत्तक से बना होता है और इसके बीच वाली परत यह झिल्ली का होता है, समझ गए। यह पतली कोमल होती है, बिल्कुल सही है, दृढ़ तनिका के ठीक नीचे होता है, क्योंकि ऊपर में दृढ़ है तो बीच वाला होगा तो दृढ़ से ठीक नीचे ही ना होगा, तो ही चीज़ें हैं। मृदु के ठीक ऊपर स्थित होता है, और ये जो पिया मेटर होता है ना, मृदु तनिका ठीक ऊपर होता है, मतलब समझिए ऊपर में दृढ़, नीचे में मृदु, मतलब एकदम मृदु वाला, और बीच में जो होता है कोमल वाला होता है, समझ गए चीज़ों को। चलिए, जाल तनिका एवं नीचे वाली मृदु तनिका के बीच में जब आर्केनोइड स्पेस रहता है, जिसमें मेरुदंड भरा रहता है, जो मेरु रजु एवं मस्तिष्क की आघातों से सुरक्षा करता है। अब होता यह है कि जो तनिका होता है, जाल तनिका, और उसके नीचे जो पिया मेटर है, आगे आप लोग देखेंगे, उसके बीच में एक फ्लूड भरा होता है, सब आर्केनोइड स्पेस उसको बोलते हैं, उसमें CSF द्रव भरा होता है, जो मस्तिष्क को जो है विभिन्न प्रकार के आघातों से सुरक्षा करता है, चाहे वो मस्तिष्क में भरा होता है और स्पाइनल दोनों में जो है CSF भरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, दोनों समझ गए। तीसरा है यहाँ पे देखिए मृदु तनिका, नाम सही है, मृदु तनिका मतलब एकदम सॉफ्ट होगा, एकदम मृदु होगा। यह नीचे की सबसे नीचे तीसरी परत है, जो मस्तिष्क के सभी मोरों यानी बल्ले को ढकती है, और प्रत्येक मोर की दरार खांच के अंदर एक गहराई में पाई जाती है। अब मोर मतलब एक बल्ले, मस्तिष्क जो होता है एक बल्ले में होता है, एक मोर में होता है, समझ गया। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही करके एक मोर सा होता है मस्तिष्क में, तो ही कहता है कि यह नीचे सबसे नीचे स्थित परत है, जो मस्तिष्क के सभी मोरों वल्लयों, यही वल्लयों मोरों ढकती है, और प्रत्येक मोर की दरार यानी खांच के अंदर एक गहराई में जाती है। मतलब ये मृदु होने के कारण यह अपने शेप में जो है नहीं रहता है, जहाँ भी इसको जगह मिलता है, खांच मिलता है, उसमें भी यह गैप को भर देता है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, मृदु तनिका जो है स्पाइनल कॉर्ड व मस्तिष्क से सटी रहती है, मतलब जो मृदु तनिका होता है यह ब्रेन और स्पाइनल दोनों से सटा हुआ रहता है, जिसमें बहुत सारी रक्त वाहिनी हाइली वैस्कुलर स्थित रहता है, इसमें बहुत सारे रक्त वाहिनी भी रहता है, समझ गए। और यह झिल्ली अपने समीप स्पाइनल कॉर्ड की निरंतरता में रहती है, मतलब सीधा समझिए कि जो मृदु तनिका है काफ़ी ज़्यादा मृदु होता है, और ये जो होता है यह ब्रेन और स्पाइनल के काफ़ी नज़दीक रहता है, समझ गए। और साथ में यह जो होता है, जो भी ब्रेन का बल्ले होता है, उस बल्ले के खांचों में आसानी से यह प्रवेश कर जाता है और उसके गैप को क्या करता है, फिल कर देता है। इसमें बहुत सारे रक्त वाहिनियाँ स्थित होते हैं, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। तो ये तीन झिल्ली हो गया, समझ गए। जैसे मानिए हमारा ये छोटा सा एक ब्रेन है, मान लीजिए, तो इसमें तीन लेयर है, समझ गए। प्रथम लेयर हो जाएगा, ठीक है, ये प्रथम लेयर होगा ड्यूरामेटर का, समझ गए। दूसरा लेयर होगा, देख लीजिए, दूसरा लेयर है यहाँ पे आर्केनोइड का, और तीसरा लेयर है हमारा पिया मेटर का, जो पिया मेटर ब्रेन के काफ़ी नज़दीक है और यह स्पाइनल के नज़दीक भी रहता है, समझ गए। और यह स्पाइनल में भी काफ़ी नज़दीक होता है, क्योंकि यह तीनों में जो है, स्पाइनल हो या ब्रेन हो, दोनों को ढकने का यह काम करता है मेनिनजिस, इसलिए स्पाइनल में मृदु भी नज़दीक ही होगा और ब्रेन वाला में भी जो है यह नज़दीक ही होगा सबसे, क्योंकि यह निचला परत है, इसके बाद ब्रेन ही है या इसके बाद स्पाइनल ही होगा, समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, ये चीज़ों को समझ लिए। अब आता है हमारा ब्रेन, ब्रेन आता है, तो चलिए ब्रेन के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए, ब्रेन, एक वयस्क मनुष्य के ब्रेन का वजन शरीर के कुल वजन का 2% होता है। 2% कैसे होता है, जैसे 2% है और 60 kg वाला है, ओके। इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, 2 × 5 = 10, और 5 से भाग दीजिए 6 को, कितना आता है, उतना ही आएगा, समझ गए, जो ऊपर बताए थे 2% होता है। इसका वजन लगभग नॉर्मल तौर पर माना जाता है 1300 से 1400 ग्राम, समझ गए। मस्तिष्क में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की हिस्सा है, मस्तिष्क जो है यह CNS, मैंने आपको पहले ही बताया CNS का यह भाग है, ओके। मस्तिष्क क्रैनियल गुहा में स्थित है, पता है, ऊपर पढ़ाए हैं। ह्यूमन ब्रेन में लगभग 10 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, इस चीज़ को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क में निम्न भाग पाए जाते हैं। मस्तिष्क में कौन कौन भाग होते हैं, या यूँ कहा जाए तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन है, अभी ऊपर बता दिए हैं, पार्ट ऑफ ब्रेन, चलिए समझते हैं।
पहला है फोरब्रेन। फोरब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मतलब होता है कि आगे वाला मस्तिष्क, जिसमें सेरेब्रम, इसी को हम लोग प्र मस्तिष्क भी कहते हैं, सबसे बड़ा भाग होता है ये फोरब्रेन का, और इसी में एक होता है डाइंसेफेलॉन, समझ गए, डाइंसेफेलॉन समझ गए, और इसी प्र मस्तिष्क में आपका हाइपोथैलेमस भी होता है, समझ गए, इसी सेरेब्रम में, इसी सेरेब्रम वाला भाग में आपके एक होता है हाइपोथैलेमस भी होता है और एक थैलेमस भी होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। तो इसीलिए इससे बड़ा कहा गया है। मिड ब्रेन में कोई भाग नहीं, बेचारा अकेले पड़ा रहता है, ठीक है, छोटा सा भाग ही होता है। हिंड ब्रेन है, पश्चिम मस्तिष्क है, तो इस पश्चिम मस्तिष्क वाले भाग में आप लोग को मैंने ऊपर बता दिया कि पोन्स होता है, सेरेब्रम को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, सेरेब्रम है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर सेरेब्रम था, प्र मस्तिष्क, समझ गए, आगे वाला ब्रेन का भाग, लेकिन यह सेरेब्रम है, यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग है जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। और एक होता है मेंडुला ओब्लॉन्गेटा। मेंडुला ओब्लॉन्गेटा जो होता है, यह आपके ब्रेन जो होता है ना, जैसे पीछे रीढ़ की हड्डी है हमारा गर्दन, तो ब्रेन का हिस्सा गर्दन से होते हुए पीछे रीढ़ की हड्डी में भी कनेक्ट रहता है, समझ गए। तो यही मेंडुला ओब्लॉन्गेटा जो होता है आपके पूंछ के भांति नीचे की तरफ होता है और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट रहता है, समझ गए, जिससे हमारे बॉडी को पूरा गति मिलता है, समझ गए। आगे चलिए, अब थोड़ा इसको डिटेल से भी देखना है। मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग या क्षेत्र है, अर्थात अग्र मस्तिष्क आगे वाला, मध्य मस्तिष्क बीच वाला, पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे वाला, और बता दिए कि किसमें कौन सा ऑर्गेन होता है, ओके। चलिए अग्र मस्तिष्क के बारे में आप लोग देखिए, अग्र मस्तिष्क होते क्या है, क्या क्या काम है इसका। यह मस्तिष्क मुख्य रूप से चिंतन का काम करता है। यह मस्तिष्क मुख्य रूप से, आगे वाला जो मस्तिष्क होता है, मुख्य रूप से यह आपके चिंतन का काम करता है, समझ गए, चिंतन का, थिंकिंग का। इसे मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अग्र मस्तिष्क में ही सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है, प्र मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग में होते हैं, आधे से ज़्यादा क्षेत्र में होते हैं, समझ गए। प्र मस्तिष्क में ही जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं, समझ गए, जो ताप आदि को नियंत्रित करते हैं। तो ये सब लिखिएगा, बता रहे हैं। तो साथ में यह है कोई भी संज्ञात्मक, समझ गए ना, भावनात्मक और पेशीय गतिविधि भी रखता है। आगे वाला जो ब्रेन का हिस्सा है यह संज्ञात्मक गुना भाग जो आप करते हैं, भावनात्मक, इमोशनल, साथ में पेशीय गतिविधि, मस्कुलर मूवमेंट को भी नियंत्रित करता है, इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग सुनने का, गंध का, देखने का आदि चीज़ों का भी जो है हमें यहाँ से कंट्रोल होता है। तो अग्र मस्तिष्क महत्वपूर्ण भाग है, सुनना, श्रवण करना, गंध को पहचानना, देखना, बहुत सारी चीज़ें जिसको यहाँ से, जितने भी संवेदी आपके अंग है वह सब के सब अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही कंट्रोल में आते हैं, इसी भाग से, समझ गए। तो ये अग्र मस्तिष्क के लिख दीजिएगा, अगर आपको लिखना हो तो और लिख दीजिएगा कि अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में ही सेरेब्रम होता है, जो मस्तिष्क के क्षेत्र के एक सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है, समझ गए, आधे से भी अधिक। इसी में हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी होते हैं, जो ताप आदि को नियंत्रण भी करते हैं प्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, समझ गए। तो ये सब चीज़ें आप लोग लिख दीजिएगा और यह आपका फोरब्रेन समाप्त हो गया, ओके। रही बात मध्य मस्तिष्क की, मिड ब्रेन का, तो मिड ब्रेन का क्या क्या रोल है देख लीजिए। मध्य मस्तिष्क आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है, बिल्कुल सही है, और यह पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है ना, यह बेचारा आकार में छोटा होता है, यह बीच में बैठा हुआ रहता है, जो मैंने फिगर में भी बताया। तो ये ऊपर वाला जितना ब्रेन का हिस्सा होता है, यह पीछे वाला से बेचारा ये छोटे सा ही है, लेकिन यह मध्य में स्थित होता है, यह ऊपर वाला को नीचे वाला से कनेक्ट करता है, समझ गए। बीच वाला को ही काम होता है कि आगे वाला और अपने से पीछे वाला को जोड़ता है। कुछ विशेष अनैच्छिक क्रिया और दृश्य और श्रवण संवेदना से संबंधित कुछ तंत्रिका केंद्र यहाँ पाए जाते हैं। और मध्य मस्तिष्क जो होता है, कुछ अनैच्छिक क्रिया, मतलब जो आपकी इच्छा से नहीं चलता है वैसा क्रिया, और साथ में कुछ दृश्य और कुछ श्रवण से संबंधित जो संवेदना होता है, उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यहाँ पे पाया जाता है, समझ गए, मध्य मस्तिष्क में। ये हो गया मध्य मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण, मध्य मस्तिष्क जो होता है यह जो है मस्तिष्क का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है तो छोटा, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS के रूप में जाना जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि मध्य मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम लोग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS के रूप में जानते हैं, हमारी उत्तेजना के लिए जिम्मेदार है। यह संवेदी आदानों को विनिमय करने में सतर्क और सक्रिय बनाता है। मस्तिष्क जो है यह जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, मतलब जब हमारा एक्टिव होते हैं किसी काम को करने के लिए, उत्तेजना क्रोध वगैरह जो आता है तो यहीं से जो है उसका एक्टिविटी होता है, यहीं से जिम्मेदार होता है, यह व्यक्ति को उत्तेजना को जो है करता है। साथ में यह संवेदी जो भी ऑर्गेन है उसके आदान प्रदान में विनिमय करता है और सतर्क व सक्रिय बनाता है कि कब क्या करना है नहीं करना है, समझ गए ना। इसी भाग देख लीजिए यहाँ पे, इसी भाग थैलमस और हाइपोथैलमस भी जो है, यहाँ पे ए वाला जो है गलत लिखा गया है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये अग्रभाग का या अग्र मस्तिष्क का होगा, समझ गए, तो ये आगे वाला में लिख लीजिएगा, ओके। चलिए दूसरा है, अब है हमारा तीसरा जो पार्ट है वो है पश्चमस्तिष्क हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो होता है पश्चमस्तिष्क होता है, और इसमें कौन कौन भाग होते हैं बता दिए हैं, पोन्स होता है, मेंडुला अब्लॉन्गेटा होता है, सेरेब्रम होता है, समझ गए। चलिए इसके मुख्य घटक मेंडुला अब्लॉन्गेटा, अनुमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, और पोन्स होता है, यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, समझ गए। यही तीनों जो है बनाता है पीछे वाले मस्तिष्क को। मस्तिष्क का यह हिस्सा श्रवण, समझ गए, अब यह हिस्सा देख लीजिए, जो पीछे वाला हिस्सा है यह श्रवण श्वसन, श्वसन मतलब समझ रहे ना, सांस, हृदय गति, समझ गए, रक्तचाप जैसी बुनियादी जीवन सहायक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और यह वाला पीछे वाला मस्तिष्क काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह क्या करता है, यह आपके श्वसन को, हृदय गति को, ब्लड प्रेशर को, इन सब चीज़ों को जो है यह क्या करता है, नियंत्रित करता है पश्चिम मस्तिष्क। तो देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। यह शरीर के आसन और संतुलन को भी बनाए रखता है, यह आपके बॉडी को जो है स्टेबल और बैलेंस बना के भी रखता है और इसको नियंत्रण करता है। यह आपके गति को भी नियंत्रण करता है, आपके मूवमेंट को भी नियंत्रण करता है, क्योंकि जब भी आप गर्दन इधर से उधर करते हैं तो बिना मेंडुला अब्लॉन्गेटा के नियंत्रण के नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसी में एक मेंडुला अब्लॉन्गेटा होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये मेंडुला अब्लॉन्गेटा जो है आपके कनेक्ट रहता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, जो पूंछ के भांति रस्सी के समान होता है उससे यह कनेक्ट रहता है, ब्रेन का एक पार्ट, समझ गए, जिसको मेंडुला अब्लॉन्गेटा कहते हैं। यह हिंड ब्रेन पश्चमस्तिष्क का हिस्सा होता है, समझ गए। अब यह यहाँ पे कनेक्ट होता है तो जितने भी बॉडी को मूवमेंट होता है, रिफ्लेक्स होता है, इसको जो है नियंत्रण करता है। यह हृदय गति को, श्वसन को भी नियंत्रण करता है, समझ गए, कौन, मेंडुला अब्लॉन्गेटा, यानी यूँ कहा जाए तो पश्चमस्तिष्क। तो जितना जानकारी हो सके आप लोग लिखिएगा, समझ गए, सब चीज़ लिखे लिखाने से नहीं होता है, समझने से भी होता है। तो जो मैं बोलता हूँ वो आप सुनिए ज़रूर ध्यान से, तभी आप समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका समापत, यहाँ पे हो गया आपका क्या चीज़, समापत हो गया। और ब्रेन के बारे में जितना डिटेल से हो गया यहाँ पे लिख दिए, फिगर बना दीजिएगा, आपका 10 नंबर में 7, 8, 8, 9, 9 नंबर जरूर मिल जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में टोटल यहाँ पे देख लीजिए, जो भी ऊपर हिंदी में अभी तक देखे हैं सबको इंग्लिश में यहाँ पे दे रखे हैं। तो जो भी मेरे डियर इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश में अपना पढ़िएगा, PDF तो शाम को हम दे ही देते हैं, समझ गए। चलिए अब आता है एक और CNS का ही एक और पार्ट होता है, जो हम लोग सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड या इसी को मेरुदंड भी कहते हैं, समझ गए, मेरुरज्जु। तो ये चीज़ को भी हमको पढ़ना है। अब मैंने आपको बताया कि जो मेंडुला अब्लॉन्गेटा होता है वह इसी स्पाइनल कॉर्ड के साथ में कनेक्ट रहता है, तो यही स्पाइनल कॉर्ड को भी हमको पढ़ना है, समझ गए। चलिए स्पाइनल जो होता है मजबूत होता है, मोटी लचीली रसरी के समान एक रचना होता है। अगर यह लचीली अगर नहीं होता तो आप जो इधर से उधर मोड़ते हैं अपने बॉडी को तो उसमें जो है यह भी मुड़ता है, अगर लचीला नहीं होता तो यह अपने जगह पर ही रहता और नहीं मुड़ता, समझ गए। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक आवश्यक अंग है, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका एक आवश्यक अंग है, ब्रेन के साथ में, ब्रेन के साथ में यह कनेक्ट रहता है और ब्रेन के हर एक गतिविधियों को यह जो है अनेक बॉडी के मूवमेंट प्रदान करता है। यह खोपड़ी के पिछले भाग में, समझ गए, यह खोपड़ी के जो पिछले भाग में मेरु शीर्ष के निरंतरता में सुषुम्ना फोरामेन मैग्नम से निकली पीठ में स्थित रीढ़ की कशेरुकाओं वर्टेब्रा से निर्मित नली के प्रथम लंबर वर्टेब्रा पर स्थित होता है। ये कह रहा है कि यह रीढ़ के जो हड्डी होता है ना हमारा, उसी के बीच में यह एक रसरी के समान मोटी लचीली और मजबूत जो है एक रचना होती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक आवश्यक अंग है, जो मस्तिष्क के
पीछे निचले भाग में जो मेंडुला अबलंगेटा होता है उसके साथ में यह कनेक्ट करके रहता है, और जो वर्टेब्रा है उस वर्टेब्रा के नली के प्रथम लंबर वर्टेब्रा पर स्थित रहता है। समझ गए, मतलब लंबर वर्टेब्रा पर यह स्थित रहता है। समझ गए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसकी आकृति पीठ की वक्र गति के अनुसार बदलती रहती है। अब जैसे अपना पीठ इधर से उधर आप मोड़ते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इधर से उधर आप घूमते हैं, मूवमेंट होता है, तो वैसे ही यह जो है अपना भी आकृति बदलता है। समझ गए, एक वयस्क व्यक्ति में इसकी लगभग जो लंबाई होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। चूँकि यह ब्रेन के जो निचले हिस्सा से लेके लंबर वर्टेब्रा प्रथम लंबर वर्टेब्रा तक होता है, समझ गए, पूंछ के भांति जो है यह आपके रसरी के समान जो है रीढ़ के हड्डी के अंदर रहता है। समझ गए, और इसी में हमारा CSF भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड कहते हैं, जो मस्तिष्क में भी रहता है और स्पाइनल में भी रहता है। चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। इसका कुछ भाग गर्दन एवं कटी क्षेत्र में मोटा होता है, मतलब जो भाग शुरू होता है गर्दन के निचले हिस्से से, तो वहाँ पर मोटा रहता है, क्योंकि इन भागों को हाथों एवं टांगों को अधिक तंत्रिका आपूर्ति करनी होती है। अब ऊपर वाला भाग इसका मोटा क्यों रहता है, इसीलिए रहता है क्योंकि यह जो है यहाँ से हाथों में और पैरों में नीचे जो है तंत्रिका आवेग जाता है, जो हमें कंट्रोल करता है हाथ को पैर को, या फिर हाथ पैर हमारा चल पाता है। अगर नर्व सप्लाई नहीं होगा हमारे हाथ और पैर में, या किसी भी अंग में अगर नर्व सप्लाई नहीं होगा, तो वह अंग काम करना बंद कर देगा। समझ गए, तो नर्व जो है हमारे जिस भी ऑर्गेन में सप्लाई रहता है, तो वह नर्व ब्लड को सप्लाई करता है, संदेश को भेजता है कि कब क्या करना है, और उसी अनुसार हमारा अंग जो है काम कर पाता है। समझ गए, तो यही चीज़ें नर्व का यही काम होता है। आगे देखिए, इन भागों को क्रमशः कोनस जो है कोनस मेडुलरी एवं कॉडा इक्विनी कहते हैं, मतलब ये जो हाथों और जो पैरों को नर्व सप्लाई करता है उसके भागों को क्रमशः कोनस मेडुलारिस कहते हैं, और एक भाग को कॉडा इक्विनी कहते हैं। इस चीज को समझ लीजिए। आगे देखिए, स्पाइनल कोड का क्या फंक्शन है, क्या काम है। अब स्पाइनल कोड के बारे में आप जान लिए, तो अब जानिए इसका क्या क्या काम भी है। तो स्पाइनल कोड शरीर के प्रतिवर्ती क्रिया के लिए मुख्य केंद्र रहती है, मतलब यह रिफ्लेक्स के लिए, इधर से उधर मुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्पाइनल और ब्रेन दोनों ही तंत्रिका तंतुओं की रचनाएं होती है। इनकी तंत्रिकाओं का शरीर में जाल बिछा होता है जो संपूर्ण शरीर को घेर कर रखता है। अब ये जो CNS होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें दो ऑर्गेन है, एक स्पाइनल और एक ब्रेन। ये दोनों का जो है अपना अपना क्या है, बहुत सारे जो है नर्व सप्लाई है। समझ गए, तंत्रिका तंतु निकला हुआ है यहाँ से, जो विभिन्न बॉडी के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ है एक जाल के समान, और जो ही जो है हमें काम करने के लिए उत्तरदायी कहता है, बॉडी को हलचल, बॉडी को चलाने के लिए संदेश को भेजता है। समझ गए, तो इसका ये काम है। तीसरा काम है स्पाइनल का, कभी कभी आपातकालीन समय पर अस्थायी रूप से शरीर के अंगों को निर्देश भी जारी करता है। मैंने बताया कि यह कभी कभी शरीर के अन्य अंगों के आपातकालीन रूप से संदेश भी भेजता है कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, ठीक है। सुषुम्ना मस्तिष्क के केंद्रों से, मतलब स्पाइनल कोड, ब्रेन के सेंटर से निर्देश को विशेष तंत्रिकाओं तक पहुंचाती है। अब ब्रेन हो गया हमारा सिग्नल देने वाला, समझ गए, और इस सिग्नल को लेकर बॉडी के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का जो काम करता है वह हमारा स्पाइनल करता है। चूँकि स्पाइनल ब्रेन से एकदम कनेक्ट है, ब्रेन कोई भी सिग्नल दिया तो इसमें भी तंत्रिका है और इसमें भी तंत्रिका तंतु सब है, तो सीधा सिग्नल इसको मिला और यह अपने तंत्रिका तंत्र के जरिए, जो जाल सा बना हुआ है बॉडी में, उसके जरिए जिस भी बॉडी को जो संदेश चाहिए उसको भेज देता है, और वही काम हम लोग करते हैं, ठीक है। पांचवा है परिसीरीय तंत्रिका तंत्र में स्पाइनल, परिसीरीय का मतलब होता है PNS, वही समझ गए ना, परिसीरीय तंत्र में सुषुम्ना स्पाइनल ही विशेष स्तरों पर विभिन्न तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है, जिनसे संवेदना अथवा प्रेरणाओं का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि जो PNS होता है, इस PNS से भी जो है स्पाइनल कनेक्ट रहता है, इसका तंत्रिका कनेक्ट रहता है स्पाइनल का, जिससे कोई भी संवेदना और प्रेरणा होता है उसका आदान प्रदान जो है स्पाइनल के जरिए किया जाता है। लास्ट काम है स्पाइनल ही धर भुजाओं एवं टांगों को चलाने हेतु प्रतिवर्त क्रिया को संपन्न करती है।
अब स्पाइनल हमारा कितना महत्वपूर्ण है, अगर स्पाइनल में चोट लगता है तो व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है, समझ गए, एक बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि ब्रेन के तरह ही हमारा उसमें नर्व सप्लाई है, ब्रेन के तरह ही वह न्यूरॉन्स का बना है, ब्रेन के तरह ही जो है वह और अंगों को भी संवेदना देता है, संदेश देता है, तो ब्रेन के इतना ही जो है कोमल हमारा स्पाइनल होता है, अगर स्पाइनल क्षतिग्रस्त होता है तो देखते हुए व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो स्पाइनल ही जो है हमारा बॉडी को, भुजा को और टांगों को चलाने के लिए जो है रिफ्लेक्स क्रिया को संपन्न करती है प्रतिवर्त को, समझ गए, जिसके कारण हम हाथ को या टांग पैर को या अपने बॉडी को मूवमेंट करते हैं या कोई काम करवा पाते हैं या स्पाइनल के जरिए ही, समझ गए। एवं मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तथा पथों का निर्माण करती है, सुषुम्ना विभिन्न खंडों में रहती है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वह विभिन्न खंड में रहता है, यह मस्तिष्क के साथ जो है रास्ता बनाता है, पथ का निर्माण करता है और यह जो है मस्तिष्क के एक उच्च केंद्रों को बनाता है। तो इस प्रकार से ये सारे काम है जो कि मैंने आपको बता दिया, दो बार पढ़िएगा दिमाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड समाप्त हो गया, बाकी स्पाइनल कॉर्ड का अगर तस्वीर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक कर गया है टाइपिंग वाला, नहीं लगा पाया है, आप गूगल पर जाकर स्पाइनल कॉर्ड का जो है तस्वीर फोटो देख लीजिएगा, पूंछ के समान होता है, ऊपर से मोटा रहेगा, नीचे से पूंछ के समान होता है और इसी में CSF भरा होता है और इसके साइड से क्या होता है आपके हड्डी वर्टेब्रा होता है जो इसको एक शेप देता है और इसी को जो है और इस वर्टेब्रा से पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक झिल्ली का आवरण होता है दोनों साइड से जो इसको ढक कर रखता है, जिसको हम लोग मेनिंजिस कहते हैं, ऊपर में पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग विदा लेते हैं यहाँ पे, आप अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टोटल इंग्लिश भी यहाँ पे दे दिए हैं, जो इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ओके। स्पाइनल कोड कभी भी पूछेगा तो 5 नंबर में ही पूछेगा और नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो किसी न किसी क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके पूछेगा, ओके। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।